नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में INS विक्रांत निधि गबन मामले को लेकर शिवसेना ने सामना में साधा राज्य सरकार पर निशाना। नागपुर में रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षाबंधन सैनिकों के संघ का किया गया आयोजन। 15 अगस्त तक आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। और ट्रेन में यात्रियों से पहचान बनाकर चोरों ने दिया चोरी को अंजाम। यात्रियों के शीत पेय में नशीली दवा मिलाकर की चोरी। चोर पुलिस हिरासत में। महाराष्ट्र में INS विक्रांत निधि गबन मामले को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना में अपने संपादकीय में लिखा, राज्य में शिंदे फडणवीस महामंडल की सरकार आने के बाद घोटालों के मामले बढ़ गए हैं। शिवसेना ने राज्य सरकार द्वारा बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को इस मामले में राहत देने का आरोप लगाते हुए उस पर तंज कसा। शिवसेना ने अपने लेख में लिखा, INS विक्रांत निधि गबन मामले में पिता पुत्र को राहत दी गई है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं। शिवसेना ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की हफ्ता उगाही की जांच करने वाली SIT को शिंदे फडणवीस सरकार ने बर्खास्त कर दिया। नवनीत राणा का लकड़ावाला से संबंधित दस्तावेजी वित्तीय लेनदेन का मामला मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी इन लॉन्ड्री वालों को सामान्य जांच के लिए भी बुलाने को तैयार नहीं है, जिन पर हत्या, बलात्कार, आत्महत्या के लिए उकसाने, वसूली, वित्तीय घोटाले और ईडी की जांच शुरू थी। वे सभी भाजपा की वॉशिंग मशीन में घुसकर स्वच्छ हो गए हैं। हालांकि इससे आजादी का अमृत महोत्सव कलंकित और धूमिल हो गया है। विभागों के बंटवारे को लेकर विपक्ष शिंदे फडणवीस सरकार को घेर रहा है। अब उस पर देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विभागों के बंटवारे बहुत जल्द हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने विविध मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। असं आहे, कांजूर मार्गची जागा एका डेपोकरता आधीपासून मागितली गेली आहे, परंतु त्या जागेचा विवाद आहे, तो हायकोर्टमध्ये चाललेला आहे। आणि ही जी मेट्रो कारशेडची जागा या Metro 3 करता मागितलेली आहे, ही काय आत्ता कांजूर मार्गची जागा आहे ती 6 करता मागितलेली आहे, ती 3 करता मागितलेली नाही आहे। कांजूर मार्गची जागा Metro 3 करता योग्य नाही असा रिपोर्ट आमच्याही काळातल्या कमिटीने केला आणि स्वतः उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी जी समिती तयार केली होती हाय लेवलची ACS सौनिक यांची, त्या समितीने स्पष्ट अहवाल दिला की हे कारशेड मेट्रोमध्येच फिजिबल आहे, ते कांजूर मार्गाला नेलं तर प्रचंड खर्च वाढेल आणि 4 वर्ष डिले होईल। त्यामुळे त्यांच्याच कमिटीचा तो रिपोर्ट आहे। मला असं वाटतं केवळ इगो करता कांजूर मार्ग त्यांनी त्या ठिकाणी धरून ठेवला आणि आम्ही देखील वारंवार हीच भूमिका घेतली की जर कांजूर मार्गची जागा रिकामी असती, त्याचा वाद नसता, तर तिथे खर्च करूनही नेला असतं, पण तिथे वाद चाललेला आहे। आणि आता मेट्रो कारशेड करता आरेमध्ये एकही झाड कापायची आवश्यकता नाही, एकही नाही। त्याच्यामुळे सगळं तिथे तयार असताना 29% कारशेडचं काम पूर्ण झालं आहे, एकूण प्रकल्पाचं 85% काम पूर्ण झालं आहे आणि 4 वर्ष ही इन्व्हेस्टमेंट 1.5 करून 15,000-20,000 कोटी रुपये परत त्याच्यावर एस्कलेशन देणं, ते कोणाच्या खिशातले पैसे आहेत? ते कोणा व्यक्तीच्या खिशातले पैसे आहेत? तर हे जनतेच्या खिशातले पैसे आहेत, हे असे वाया जाऊ देणार नाही। लवकरच होईल, काळजी करू नका, लवकरच तुम्हाला खात्यांच्या संदर्भातली माहिती मिळेल। तोपर्यंत तुम्हाला बरं आहे, दिवसभरात तुम्ही 3-4 प्रकारची खाती तयार करताय, लोकांना वाटताय, पालकमंत्री वाटताय, तुम्हाला एक चांगलं काम मिळालं आहे। आम्ही जर पेपर फोडून टाकला तर तुम्हाला दिवसभर चालवायला काम थोडी मिळणार आहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माजी वायुसैनिक कल्याण संघटना नागपुर तथा अमर जवान स्मारक समिति की ओर से 11 अगस्त से 15 अगस्त तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल 11 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अमर जवान स्मारक अजनी चौक में रक्षाबंधन सैनिकों के संघ का आयोजन किया गया था। इस वर्ष पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। नागपुर शहर में भी बड़े उत्साह के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिक भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कल शहर में रक्षाबंधन के अवसर पर रक्षाबंधन सैनिकों के संघ का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई और हमारे संरक्षक पुलिस कर्मियों को राखियां बांधी। इसी प्रकार 15 अगस्त तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
आज यानी 12 अगस्त को शाम 6 से 8:30 तक एक शाम शहीदों के नाम नामक देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे भास्कर वाघुले एंटरटेनमेंट्स की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। 13 अगस्त शाम 6 से 8 बजे तक शहर में प्रसिद्ध शिव गर्जना ढोल ताशा पथक की प्रस्तुति होगी। 14 अगस्त को शाम 6 से 7 बजे तक एकता लेझिम पथक की प्रस्तुति होगी और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 10 से 12 बजे तक झंडा वंदन तथा स्वरमेवा नागपुर की ओर से देशभक्ति गीतों के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अनुभव म्हणता आम्ही आता आर्मीमध्ये एवढे दिवस सर्व्हिस केलेली आहे, पण जेवढा आनंद आज आम्हाला इथे प्रतीत होत आहे हा आजपर्यंत आम्हाला झालेला नाही। आमच्या रक्ताच्या नात्या नाही पण एक बंधनाचं जे नातं असतं त्या नात्याने आज आम्हाला अगदी दैवरून आलेलं आहे आणि हे आम्हाला सांगताना आमच्या शब्दात व्यक्त करू शकत नाही। ह्या आमच्या बहिणी आहेत, त्यांनी आज आम्हाला राखी बांधली। हा अचूक आमच्या जीवनातला प्रसंग आहे आणि हा आम्ही मिस केलेला नाही याचा आम्हाला अभिमान आहे। धन्यवाद। आम्ही दरवर्षी आपण रक्षाबंधन तरी साजरा करत असतो, पण हा सैनिकांसोबत विशेष आम्हाला आनंद मिळाला रक्षाबंधन साजरा करण्याचा। आणि आमची युवान ही संघटना मागच्या वर्षी सुद्धा आम्ही हा कार्यक्रम घेतला होता रक्षाबंधनाचा। जे सैनिक आपल्या घरी रक्षाबंधनाला येऊ शकत नाही तर त्यांना राखीचं आम्हाला खूप म्हणजे वाईट वाटतं बहिणींना की आपला भाऊ येऊ शकत नाही, त्यामुळे सैनिकांना राखी बांधणं हे खूप विशेष होतं आमच्यासाठी। आज खूप छान वाटलं मला, कधी बघितलं नाही नव्हतं की ते येऊ शकत नाही हे दुःख मला समजलं नव्हतं, पण आज समजलं, डोळ्यात पाणी आला। खरंच खूपच वेगळा एक्सपिरियन्स होता, आजपर्यंत असं म्हणजे खरंच करायला नाही मिळालं, एकदम असं नवीन होतं, तर म्हणून खूप जास्त आनंद झाला आणि ही अपॉर्च्युनिटी मिळणं ही आमचं ऑनर आहे आणि याच्यासाठी आम्ही थँक्यू म्हणतो। मीन्स बहुत वी वर व्हेरी हॅपी अँड वी आर व्हेरी हॅपी दॅट वी गॉट दिस अपॉर्च्युनिटी टू डू दिस आणि हमारे स्कूल के पास हुआ तो बहुत खुशी होईल। काय नेमकं म्हणजे कसं ते खूप वेगळं झालं, कारण की मी आतापर्यंत कधी सैनिकाला पोलिसला कधी बांधली नाही, फक्त कधी कधी आपल्या भाऊला बांधून टाकले, कधी आम्ही असं कॉन्टॅक्टमध्ये नाही राहत, पण माझे ते ना माझे पोरात आमचे असं खूप वेगळा एक्सपिरियन्स झाला आहे। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रामटेक में सार्वजनिक रक्षाबंधन का आयोजन किया गया। विशेष स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव पर लक्ष्मण मेहर आनंद धाम परमात्मा के संस्थापक महाराष्ट्र सरकार के व्यसन पुरस्कार विजेता राहुल कोठेकर सभी महिलाओं के भाई बने। राहुल कोठेकर के नेतृत्व में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर लक्ष्मण मेहर ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे विभिन्न राज्यों में रक्षाबंधन कार्यक्रमों के साथ साथ स्वच्छता अभियान के तहत लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। रामटेक सेक्टर में हमेशा काम करने वाले वाइल्ड चैलेंजर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राहुल कोठेकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य, आय और शिक्षा के लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इसी तरह सेवा करते रहने के लिए राखी बांधकर आने वाले समय में कई मुसीबतों में और कई चीजों में मदद के लिए और हमेशा भाई के साथ रहने के लिए सभी महिलाओं ने और लड़कियों ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार कार्यक्रम के अध्यक्ष लक्ष्मण मेहर बाबूजी राहुल कोठेकर को राखी बांधकर बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर वनिता सेलोकर, शारदा बर्वे, रेखा मक्के, अजय मेहर कुड़े, राजेश टिपले, दामोदर धोपटे, सागर धोबड़े के साथ पद्मा ठेंगरे, अर्चना वरखड़े, वनिता सेलोकर, सत्यभामा नानोटकर, महादेव नागपुरे की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीकेबी न्यूज के लिए रामटेक से सुषमा मर्जीवे की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। रेलवे यात्रा के समय दो चोरों ने ट्रेन में सवार व्यक्तियों से पहचान बढ़ाकर उन्हें शीत पेय में नशीली दवा दी और नशे से उनकी हालत खराब होते ही फिरियादियों के पैसे, जेवर और बैग में रखे पूरे सामान मिलाकर कुल 3,88,500 रुपए का 3 लोगों का माल चुरा कर चोर वहां से फरार हो गए। फिरियादियों को जैसे ही होश आया उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई और स्थानीय अपराध शाखा लोहमार्ग नागपुर को घटना की जानकारी दी गई। स्थानीय अपराध शाखा लोहमार्ग नागपुर की जांच टीम ने नमूद अपराध में प्राथमिकी दर्ज की है। जांच में पुलिस को मुंबई से हावड़ा यात्रा कर रहे दो लोग वेटिंग धारक होने का पता चला। फिर उनकी सारी जानकारी एकत्रित कर मोबाइल नंबर के आधार पर मोबाइल धारकों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने गलत मोबाइल नंबर जमा करने की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने समय न गवाते हुए पुराने आरोपियों के रिकॉर्ड से पता लगाना शुरू किया और मूसा और फिरोज नामों का उपयोग करके कौन चोरी करता है इसकी जानकारी प्राप्त की। इन नामों का प्रयोग किशनगंज इस्लामपुर बिहार के मजबूल नाम का व्यक्ति और साथी करता है ऐसी जानकारी मिली। किशनगंज बिहार इस्लामपुर पश्चिम बंगाल पहुंचकर पूछताछ की तो उदगरा के मोहम्मद मजबूल कुतुबली थाना पोठिया जिला बिहार के किशनगंज का रहने वाला निकला। मजबूल दर्रा थाना पोठिया जिला के अनुसार 26 जुलाई को उन्हें बिहार के किशनगंज की मदद से हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने अपने साथी के साथ अपराध कबूल कर लिया था। दोनों आरोपियों को 10 अगस्त को पावे तो पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मेयो अस्पताल परिसर से दुपहिया वाहनों की चोरी हुई थी जिसकी जांच गांधीबाग पुलिस के द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने वांड्रे बस्ती यशोधरा नगर रहने वाले आरोपी मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद हुसैन अंसारी को गिरफ्तार किया है। चोरी हुए वाहनों में से 3 वाहन इस आरोपी से जब्त किए गए और अन्य अपराध में 3 वाहन, ऐसे कुल मिलाकर 6 वाहन मतलब 1,95,000 का माल इस आरोपी से जब्त किया गया है। आरोपी दो पहिया वाहनों का मैकेनिक है और दो पहिया वाहनों से संबंधित सभी काम करता है जिस वजह से गाड़ियां चुरा कर उनके पार्ट्स अलग अलग करके उन्हें बेच के आरोपी पैसे कमाता था। पुलिस स्टेशन तहसील अपराध क्रमांक 498/22/379 या गुन्ह्यामध्ये आरोपी नामे इरफान मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद हुसैन अंसारी वय 25 वर्ष राहणार वांद्रे वस्ती यशोधरा नगर याला अटक करण्यात आलेली आहे। या हा आरोपी मेयो हॉस्पिटलच्या परिसरातून आमच्या परत वाहन दुचाकी वाहन चोरीस गेले होते। त्यापैकी 3 वाहन या आरोपीकडनं हस्तगत करण्यात आले आणि आणखीन 3 वाहनं इतर गुन्ह्यांमधली हस्तगत करण्यात आलेली आहेत। एकूण 6 वाहनं आणि 1,95,000 टोटल मुद्देमाल या आरोपीकडनं हस्तगत करण्यात आलेला आहे। आरोपी काय करतो मॅम, चोरी करण्याशिवाय आणखी काही काम म्हणजे आहे करतो का? हा आरोपी टू व्हीलरचा मेकॅनिक आहे, मेकॅनिक त्याला टू व्हीलरचे सगळे काम येतात। त्यामुळे वाहन चोरी केल्यानंतर वाहन तोडून त्याचे पार्ट्स मोकळे करून ते पार्ट्स विकून तो त्यातून पैसे कमवत होता। चोरी करण्याचं काही मागचे काही कारण आहे का याच्यावाला की काही परिस्थिती बिघडणार एवढे काहीतरी? आणि मॅम याच्यामध्ये काही पुढे काही घोटाळे होते काय सांगताय? या आरोपीवर यापूर्वी गुन्हे दाखल नाहीत, आम्ही रेकॉर्ड चेक केले दाखल नाही आहेत। आमच्याचकडे 3 गुन्हे आहेत, ते गुन्ह्यामध्ये आम्ही आता हे आरोपी वर्ग करून घेत आहे। अतिशय सामान्य कुटुंबातला आरोपी आहे आणि त्याच्या मेकॅनिकल स्किल्सचा तो चोरी करण्यासाठी उपयोग करत होता। त्याच्यामध्ये अर्गू वाढण्यास शक्यता आहे का? ऑटोमोबाईल वाले काही याच्यामध्ये सहभाग आहे का सांगा? याच्यामध्ये आरोपी स्वतःच मेकॅनिक असल्यामुळे इतर आरोपींची शक्यता नाही। महसूल दिवस के अवसर पर उपविभाग गोंदिया द्वारा महसूल दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विधायक विनोद अग्रवाल ने कार्यक्रम में सरकार की सैकड़ों योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने वाले महसूल विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देकर उनका सत्कार कर उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी इनका सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया। विधायक विनोद अग्रवाल द्वारा लोकशाही अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र अभिवादन किया गया।
साथ ही इस अवसर पर पिछले दिनों अतिवृष्टि व बाढ़ में डूबने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता चेक द्वारा उनके परिजनों को सौंपी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित विधायक विनोद अग्रवाल, उप विभागीय अधिकारी पाटिल, तहसीलदार खंडारे, अपर तहसीलदार खड़तकर, नायब तहसीलदार पालांदुरकर, सीमा पाटने, नायब तहसीलदार सरोदे, मंडल अधिकारी तलाठी एवं महसूल विभाग अधिकारी सुजीत येवले, लखन हरिनखेड़े इत्यादि कर्मचारी अधिकारी तथा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। तो वीकेपी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेपी न्यूज। नमस्कार।